हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग दी वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी। नाउ वाईफाई स्टडी इज अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी ग्रुप। फ्रेंड्स, दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और मैं दीपक तीर्थयानी एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं आपके लिए एक शानदार जबरदस्त सा सेशन लेकर, जो कि बेस्ड है सिलोज में पर, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के दृष्टिकोण से, जो हमेशा से ही आज रेलवे के एग्जाम्स का फेवरेट रहा हुआ है। और कभी कभी तो हमने देखा है कि रेलवे के एग्जाम जैसे 2018 एलपी के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन भी इसके अंदर देखने को मिले। ठीक है, तो इसको चैप्टर को हमें बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ना है, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखना है हमेशा ऑल टाइम के लिए, क्योंकि अब ज़्यादा समय हमारे पास नहीं है। ठीक है, बहुत ही लिमिटेड टाइम अगर हम लोगों के पास में है तो हमें उस प्रिपरेशन को बहुत ही अपर लेवल पर लेके जाना है। और अब गलती करने का कोई भी कारण हमारे पास में नहीं होना चाहिए कि नहीं हमने पढ़ा नहीं है, हमने ऑलरेडी 2 से 3 बार हमने सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है, फिर से हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, फिर प्रैक्टिस भी करेंगे। तो फटाफट से एक बार थम्सअप कर दीजिए सभी बच्चों को, वॉइस वगैरह एकदम क्लियर है गाइस, सभी बच्चे आ जाएं और एक बार थम्सअप करके बता दें कि यस सर वॉइस वगैरह एकदम क्लियर है। वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुरेश भाटिया, जोधपुर चटक मंडक के पाए लाग लिया आपने, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल डेडिकेशन के साथ में, जल्दी से आ जाइए, फटाफट से थम्सअप कर दीजिए एक बार सेशन को, सभी बच्चे एक बार सभी लोग आ जाएंगे तुरंत प्रभाव से, जल्दी से आ जाइए फिर हम लोग स्टार्ट करने वाले। चलिए देखिएगा, इधर सबसे पहले अन अकेडमी पर मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि आज दोस्तों बहुत ही धमाकेदार 2 मॉक टेस्ट हमारे रात को अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर होने वाले हैं, जो कि बहुत ही जबरदस्त होंगे। ठीक है, रात को अपने 2 मॉक टेस्ट होने वाले हैं, एक तो होने वाला है 9:30 बजे और एक होगा अपना 10:15 बजे, तो 2 मॉक टेस्ट होंगे। ठीक है, कौन सी कैटेगरी में? 9:30 बजे वाला मॉक टेस्ट होने वाला है एसएससी कैटेगरी में, और रेलवे एग्जाम कैटेगरी में 10:15 बजे अपना मॉक टेस्ट होगा, जो कि बिल्कुल फ्री होगा। तो भाई मेरे बिल्कुल तैयार हो जाना, जबरदस्त सेशन होगा। ठीक है, इसके अलावा आप लोग अन अकेडमी पर सबसे पहले सर्च करेंगे सर्च बॉक्स में दीपक तीर्थयानी और इसे आप फॉलो कर लेंगे, यहां से आप लोग डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं इन सभी कोर्सेस के अंदर। ठीक है, आप किसी भी कैटेगरी में आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप लोग दीपू10 कोड लगाकर आप बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। कोड क्या है? DEEPU10 दीपू10। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन क्लासेस के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। एसएससी कैटेगरी में रात को वैसे 9 बजे होती है, पर आज 9:30 बजे होगी, और रेलवे एग्जाम कैटेगरी में 10 बजे होती है, जो कि आज 10:15 बजे होगी। फॉर ऑल एन अकेडमी सब्सक्रिप्शन यूज कोड दीपू10। अब मेरे भाई जो एसएससी में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं ना, तो उनको मैं इंफॉर्मेशन दे दूं कि फाउंडेशन बैच अपना स्टार्ट हो चुका है। ये कंप्लीट फाउंडेशन बैच है, बिल्कुल 0 to high level, 0 to advanced level, 0 to high level, जो भी आप कहना चाहें, बिल्कुल सारे वर्बल नॉन वर्बल लॉजिकल तीनों रीजनिंग कवर होगी। ठीक है, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको ये कोड लगाने से, जो कि दीपू10 है। 5 तारीख को दोस्तों, यानी कि आज 5 तारीख है, और दोपहर 2 बजे अपना ये बैच चालू हो जाएगा लॉजिकल रीजनिंग का। ठीक है, दोपहर 2 बजे अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर प्लस कोर्सेज के अंदर आप लोग दीपू10 कोड लगाकर इस लॉजिकल रीजनिंग के बैच को ज्वाइन कर सकते हो फाउंडेशन बैच के साथ साथ। ये इसी महीने स्टार्ट होगा 5 नवंबर से और इसी महीने समाप्त हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही प्यारा बैच होगा ये, और आज से उसकी पहली क्लास चालू है 2 बजे, तो आप आज ही अभी इनरोल कर लेना फिर। ठीक है, क्लास के बाद ही। साथ ही साथ एसएससी कैटेगरी के अंदर 11 नवंबर से 5000 क्वेश्चन की सीरीज में यहां भी चालू कर रहा हूं, क्योंकि मेरे बहुत से भाई ऐसे हैं जिन्होंने एसएससी का भी फॉर्म भरा है, स्टेनोग्राफर हो, एसएससी जीडी एमटीएस, आगे बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, सीएचएसएल आने वाला है, तो वो यहां से 5000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस मेरे साथ में कर सकता है। ये कंटिन्यू चलेगी जब तक हमारा एग्जाम नहीं हो जाता। इसके अलावा रेलवे एग्जाम कैटेगरी के सभी स्टूडेंट्स यहां पे गौर फरमाएं कि टेस्ट सीरीज, अन अकेडमी टेस्ट सीरीज दोस्तों आप लोगों को मिल जाएगी सारे सब्जेक्ट के साथ में, और विद रीजनिंग कंप्लीट बैच। साथ ही साथ दोस्तों आपको मिल जाएंगे 7000 क्वेश्चन, 7000 क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पेपर के सारे क्वेश्चन, 20 साल के जितने भी क्वेश्चन है ना, वो सारे क्वेश्चन, जो बनाए हुए क्वेश्चन है वो क्वेश्चन, जो नए क्वेश्चन है वो क्वेश्चन। ठीक है, उन सब पे फोकस करेंगे हम लोग।
दीपू 10 कोड लगाकर आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो रेलवे एग्जाम कैटेगरी के अंदर, जो कि स्टार्ट हो रहा है 11 नवंबर से। तो मैंने तो भैया तैयारी चालू कर दी, अब आप लोगों को देखना है कि आपको किस लेवल की प्रिपरेशन करनी है और कहां अपने आप में स्टैंड करना है, क्योंकि पॉइंटों में एक एक नंबर पे तो बड़ी बड़ी पोस्टें चली जाएगी आपके हाथ से, ये बात दिमाग में डाल लेना। CATA स्टेशन मास्टर, ये तीन पोस्टें जो कि सबसे बड़ी पोस्टें हैं NTPC की, अगर ये चाहिए तो उसके लिए स्कोर बहुत हाई रखना पड़ेगा, अपने को बहुत आगे का रखना पड़ेगा और कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके के मार्क्स कटने की। ठीक है गाइस, चलिए ये सारे नियम अपन ने पढ़ लिए थे। ओनली का कंसेप्ट, ओनली अ फ्यू का कंसेप्ट हमने देख लिया था, हम पढ़ रहे थे आइदर और की कंडीशन, ये हमारा कल हो गया था भाई। ठीक है, ये हमने रूल फर्स्ट पढ़ लिया था। अब आइदर और का कंडीशन हमने समझ लिया था कि आइदर और की कंडीशन सिलोज में टॉपिक के अंदर कहाँ लगती है, जहाँ पर डाउट होता है। आप सभी बच्चों से अनुरोध है कि आप लोग पेन और पेपर ले लें, क्योंकि आज आपको लिखने की थोड़ी सी हो सकती है जरूरत पड़े, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी चल रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखें। आइदर और की कंडीशन के लिए मैंने आपको तीन कंडीशन बताई थी, एक तो बताई थी सम और नो, कुछ है कोई भी नहीं है, सम सम नोट, कुछ है कुछ नहीं है, ऑल एंड सम नोट, सभी हैं और कुछ नहीं है। ये तीन केस आइदर और के होते हैं। पहला रूल हमारा ये है आइदर और की कंडीशन के लिए कि अलग अलग जांचने पर सबसे पहले दोनों कंक्लूजन जो है, जो दोनों निष्कर्ष हैं, वो गलत होने चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट प्रिडिकेट सेम होने चाहिए, AB AB या AB का BA भी हो सकता है, ऑर्डर इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है, पर होने यही चाहिए। अगर ऊपर AB है तो नीचे भी AB होगा, ऊपर बनाना और एप्पल है तो नीचे भी बनाना एप्पल हो सकता है। ठीक है, लेकिन उनका क्रम ये हो सकता है एप्पल बनाना, इन दो केस के अंदर। ठीक है, चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। अब ये कंसेप्ट हम लोग पढ़ रहे थे, एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिएगा, हमने एक जनरल डायग्राम बनाया था, ऑल एप्पल आर बनाना, नो एप्पल आर चेरी, ऑल एप्पल आर बनाना, नो एप्पल आर चेरी, पर यहां पे बनाना पर कोई रुकावट नहीं है, तो बनाना वाला पोर्शन चेरी को ऐसे कट कर सकता था। और अब यहां पे देखा हमने सम बनाना आर चेरी, एक तरफ दे रखा है सम बनाना आर चेरी और एक तरफ दे रखा है नो बनाना आर चेरी, तो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, सम और नो का केस बन रहा है, कुछ है और कोई भी नहीं है, एक तरफ बोल रहा है कुछ है एक तरफ बोल रहा है कोई भी नहीं है, तो ये केस बन गया था आइदर और का। लेकिन मैं बात कर रहा हूं इस नीचे वाले केस की, इस नीचे वाले क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना। वो बोल रहा है कि सम बनाना आर चेरी, ध्यान से देखना वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है सम बनाना आर चेरी। तो मुझे ये बताओ क्या इस डायग्राम में, ऊपर वाले डायग्राम में क्या बनाना चेरी है क्या, नहीं है। क्या नीचे वाले डायग्राम में बनाना चेरी है क्या, यस बनाना चेरी है, एक में है एक में नहीं है। और आप लोगों को मैंने रूल बताया है कि 50 डायग्राम में से अगर 49 में है, 49 डायग्राम में कंडीशन फॉलो हो रही है, और अगर एक डायग्राम में ऐसा है जिसमें कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है तो वो रॉन्ग होगा। ठीक है ना, तो उसी तरीके से देखना इधर, सम बनाना आर चेरी इसमें रॉन्ग है इसमें राइट है, एक में भी रॉन्ग तो वो चीज क्या हो जाती है, रॉन्ग। ये आपने चेक किया तो गलत किया आपने इसको। अब नीचे वाले को देखना, वो बोल रहा है सम बनाना आर नोट चेरी, अब बोल रहा है कि कुछ बनाना ऐसे हैं जो चेरी नहीं है, तो क्या ये वाली कंडीशन सही होगी या गलत होगी, मुझे ये बताओ। वो बोल रहा है सम बनाना आर नोट चेरी, कुछ केले चेरी नहीं है, तो बिल्कुल सही तो बोल रहा है, ये पूरा पोर्शन बनाना का पोर्शन है, और इस बनाना के पोर्शन में से ये वाला पोर्शन देखना, ये वाला पोर्शन जो एप्पल का पोर्शन है, ये बनाना का भी तो पोर्शन है, क्या ये वाला एप्पल का पोर्शन कभी चेरी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो वो सही तो बोल रहा है कि कुछ बनाना चेरी नहीं है, तो बनाना का ये वाला पोर्शन जो एप्पल का पोर्शन है वो कभी भी चेरी नहीं हो सकता, तो इसका मतलब सेकेंड वाली कंडीशन सही बोल रहा है कि बिल्कुल कुछ बनाना ऐसा है जो चेरी नहीं है। यहां पर भी सेम कंडीशन यही बनेगी,
कि एप्पल चेरी नहीं है, पर एप्पल किसका भाग है? बनाना का भाग है, क्योंकि बनाना के अंदर है। तो इसका मतलब बनाना का ये वाला पोर्शन जो एप्पल का पोर्शन है, ठीक है, ये कभी भी चेरी नहीं होगा। तो इस केस में भी सेकंड वाला क्या है? सही है। तो अगर सब में सही है तो फिर वो चीज क्या मानी जाएगी? सही मानी जाएगी। सब में सही है तो वो चीज क्या मानी जाएगी? सही मानी जाएगी। अब भैया अब आप सोचोगे कि सर यहां पर एक बार बोल रहा है सम बनाना आर चेरी, एक बार बोल रहा है सम बनाना आर नॉट चेरी, तो सर ये केस तो होना चाहिए किसका? आइदर और का होना चाहिए। लेकिन भैया आइदर और तो तब होगा जब ये अलग अलग जांचने पर पहले गलत होने चाहिए थे। ये देखिए पहला रूल ये बताया था मैंने तुम्हें कि अलग अलग जांचने पर दोनों रॉन्ग होने चाहिए, सबसे पहली कंडीशन यही है। तो अलग अलग जांचने पर ये रॉन्ग कहां आ रहे? ऊपर वाला रॉन्ग है, नीचे वाला राइट है। तो यहां पर आइदर और नहीं बनेगा, यहां पर क्या बनेगा? सेकंड फॉलो। यहां पर आंसर क्या बनेगा? सेकंड फॉलो। मेरे भाई ढंग से समझ लेना चीजों को, रटना नहीं है, ठीक है ना। रट रट के मत चले जाना कि अच्छा हाँ कुछ है कुछ नहीं है, लगा दो आइदर और, ऐसा मत कर देना भैया। ध्यान से देख लेना आंखें खोल के। वो बोल रहा है सम बनाना आर चेरी, तो भैया सम बनाना आर चेरी इसमें गलत इसमें राइट, तो एक में भी गलत, तो पहला वाला गलत हो गया। दूसरा वाला सम बनाना आर नॉट चेरी, तो बिल्कुल बनाना का ये वाला पोर्शन कभी भी चेरी नहीं हो सकता, बनाना का ये वाला पोर्शन कभी भी चेरी नहीं हो सकता, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या बनेगा? सेकंड फॉलो। फटाफट से थम्सअप कर दो एक बार, सभी बच्चे थम्सअप कर देंगे, जल्दी से थम्सअप कर देंगे। क्लियर है कि नहीं? फटाफट से थम्सअप कर लीजिए। चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं भाई अब इस क्वेश्चन को करेंगे। ऑल ए आर बी, जल्दी से बनाओ। ऑल ए आर बी, फिर लिखा हुआ है नो बी आर सी। एक जनरल डायग्राम बनाया, ठीक है, ये एक जनरल डायग्राम बनाया। अब वो बोल रहा है सम बी आर सी, कुछ बी सी हैं, तो क्या वो सही बोल रहा है क्या? क्या वो सही बोल रहा है क्या? बी तो सी है ही नहीं, पर वो तो फिर भी बोल रहा है कि बी सी है, तो वो गलत बोल रहा है। फिर आगे नो बी आर सी, कोई भी बी सी नहीं है, तो बिल्कुल कोई भी बी सी नहीं है, बिल्कुल बी और सी पर रुकावट दे रखी है, कोई भी बी सी नहीं है। तो यहां पर आंसर क्या बनेगा? यहां पर आंसर बनेगा सेकंड फॉलो। इस वाले क्वेश्चन के लिए आंसर क्या बनेगा? इस वाले क्वेश्चन के लिए आंसर बनेगा सेकंड फॉलो। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर आइदर और लगा दो, पर आइदर और क्यों लगेगा भैया? यहां पर आइदर और लग ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अलग अलग जांचने पर पहले गलत होना चाहिए था, फिर चेक करते कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, वो तो बाद में देखते। एक भी कंडीशन गलत हो गई तो फिर वो गलत है। समझ में आ रहा है? तो यहां पर क्या बनेगा? सेकंड फॉलो बनेगा, ना कि आइदर और। पर कुछ लोग हैं जो यहां पर आइदर और लगा रहे हैं। मेरे भाई आंखें खोल के देखें, ध्यान से देखें, ठीक है। यहां पर आंसर क्या बनेगा? ओनली सेकंड फॉलो। नेक्स्ट यहां पर चेक करते हैं, इस वाले कंक्लूजन को चेक करते हैं। सम बी आर सी, सम बी आर सी, कुछ बी सी है, बिल्कुल गलत बोल रहा है। फिर नीचे सम बी आर नॉट सी, सम बी आर नॉट सी, तो बिल्कुल सही बात तो है। जब कोई भी बी सी नहीं है तो कुछ बी बी सी नहीं है, ये भी सही होगा। तो आंसर क्या बनेगा? सेकंड फॉलो। वो बोल रहा है कुछ बी सी नहीं है, तो बिल्कुल कोई भी बी सी नहीं है तो कुछ बी बी सी नहीं है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। तो रटना नहीं है हमें, हमें चीजों को समझना है। आइदर और की कंडीशन हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। चलिए सर मेरा कंपटीशन का फर्स्ट एग्जाम है, पता नहीं सर क्या होगा, प्लीज टेल मी। जो भी होगा मंजूरे खुदा नहीं होगा, वो मंजूरे आप ही होगा। अगर मेहनत करिए तो एग्ज़ाम अच्छा होगा, मेहनत नहीं करिए तो एग्ज़ाम के लिए अभी समय है, अपनी मेहनत को और अच्छा कर सकते हो और फाइनली सिलेक्शन होगा, डोंट वरी, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर क्या बोलेंगे देखना इधर। अब यहाँ पर मैं एक बार और खंडन करता हूँ। जैसे देखना, रीस्टेटमेंट सही, रीस्टेटमेंट जो होता है गलत होता है। पहले हम लोग ये पढ़ते थे, क्यों? क्योंकि भैया एग्जामिनर ने ही ऐसा करा। 2016 तक रीस्टेटमेंट को वो सही करता था, 2016-17 में उसने गलत करा, फिर 18-19 में फिर से सही करना चालू कर दिया, ठीक है। तो हम लोग अपडेट हैं बिल्कुल, अभी लेटेस्ट कंडीशन के हिसाब से उसने रीस्टेटमेंट को फॉलो किया। अब आप खुद सोचो, आप बोल रहे हो कि सर ये रीस्टेटमेंट है। देखना इधर, एक मजे वाली बात बताता हूँ आपको, यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर होगा।
रीस्टेटेड का मतलब होता है हूबहू सेंटेंस वैसा का वैसा लिखा हो। तो क्या हूबहू सेंटेंस वैसा का वैसा लिखा हुआ है क्या? ठीक है, और यहां पर लिखा हुआ है नो बीआरसी, और यहां लिखा हुआ है नो बीआरसी। मैं कह रहा हूं कि रीस्टेटमेंट फॉलो होता है, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में जब मैं उस कंडीशन को देखता था 2016 में जो पेपर आया था, तो उसको काफी सारे टीचर्स के बीच में असमंजस की स्थिति पैदा हुई, क्योंकि एग्जामिनर ने ही उसको गलत किया, तो भैया हमें गलत करना हमारी मजबूरी थी। पर सपोज करो कि नो बीआरसी अगर आप गलत कर देते, अगर आप कर देते नो बीआरसी, कोई भी बी सी नहीं है, अगर आप इस बात को गलत कर देते तो क्या ये कंडीशन सही होती क्या? फिर तो क्वेश्चन ही गलत हो जाता ना आपका, यानी आपने स्टेटमेंट की बात को ही ठुकरा दिया। वो बोल रहा है यहां पे नो बीआरसी, अगर आप इसको गलत कर देते नो बीआरसी को, तो भैया फिर तो आपने इसका मतलब स्टेटमेंट की जो कंडीशन दी है मेन कंडीशन कि कोई भी बी सी नहीं है, आपने उसको ठुकरा दिया। ये कैसे पॉसिबल है? नो बी आर सी तो सही होगा ना, सही तो साफ साफ दिख तो रहा है, नो बी आर सी, कोई भी बी सी नहीं है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? तो इसलिए रीस्टेटमेंट फॉलो होता है, फाइनल हो चुका है ये। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एग्जामिनर ने अपनी गलती को मान लिया है, एसएससी की तरफ से आरटीआई वगैरह अप्लाई करी थी उसके अंदर भी, और लेटेस्ट में 2018 एलपी के अंदर जो क्वेश्चन आया था रीस्टेटमेंट, उसको फॉलो किया गया है। ठीक है, देखिए इधर, मैं तो आपको लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से बताऊंगा, सीधी सी बातें कि जो एग्जामिनर ने आंसर की दी है उसके हिसाब से, और बहुत सारे टीचर्स के साथ में डिस्कस करने के बाद में हम फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि रीस्टेटमेंट फॉलो होता है, वो गलत नहीं होता, वो गलत हो ही नहीं सकता पहली बार तो। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट, इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। अगर रीस्टेटमेंट गलत हो जाता फिर तो ये दोनों गलत हो जाते, दोनों गलत हो जाते तो फिर आइदर और का केस बन जाता, सही है कि नहीं? चलिए देख, अब देखिएगा यहां पे सम एडवोकेट आर बोला, पूरा फोकस यहां पे होना चाहिए, सम एडवोकेट, कुछ एडवोकेट है जो क्या है, बॉल है, सम एडवोकेट आर बॉल्स, फिर लिखा हुआ है नो बॉल्स आर कोर्ट्स, नो बॉल्स आर कोर्ट्स, ठीक है, सम एडवोकेट आर बॉल, फिर लिखा हुआ है नो बॉल आर कोर्ट, फिर लिखा हुआ है सम एडवोकेट आर कोर्ट, कुछ एडवोकेट कोर्ट हैं, कुछ एडवोकेट कोर्ट है। देखिए इस डायग्राम को मैं ऐसे बना दूंगा तो गलत थोड़ी ना होगा। उसने बोला सम एडवोकेट, सम एडवोकेट आर बोल, फिर लिखा हुआ है नो बोल आर कोर्ट, क्या लिखा हुआ है, नो बोल आर कोर्ट, क्या लिखा हुआ है, नो बोल आर कोर्ट। तो यहां पे देखना, चलिए तो ये डायग्राम भी बन सकता है, ये भी डायग्राम बन सकता है। सम एडवोकेट आर कोर्ट, क्या लिखा हुआ है, सम एडवोकेट आर कोर्ट, क्या एडवोकेट कोर्ट है, पहला रॉन्ग, क्या एडवोकेट कोर्ट है, राइट, तो एक में भी गलत तो वो चीज गलत होगी। फिर नेक्स्ट नो एडवोकेट आर कोर्ट, कोई भी एडवोकेट कोर्ट नहीं है, तो इसमें तो सही है, कोई भी एडवोकेट कोर्ट नहीं है, इसमें सेकंड वाला कंक्लूजन इस वाले डायग्राम में सही है। पर इस वाले कंक्लूजन में देखो वो बोल रहा है नो एडवोकेट आर कोर्ट, बिल्कुल गलत बोल रहा है, इसमें तो एडवोकेट कोर्ट है, तो एक में सही है एक में गलत, तो एक में भी गलत तो वो चीज गलत होगी। तो अलग अलग जांचने पर वो कंडीशन गलत हो गई। एक बार सम और नो का केस बन रहा है, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट क्या बन रहे हैं, सेम एडवोकेट आर कोर्ट, तो भैया एक पॉजिटिव सेंटेंस है एक नेगेटिव सेंटेंस है, ये भी हो गया। ठीक है, तो सारी कंडीशन आइदर और की फॉलो कर रहा है, अलग अलग जांचने पर गलत भी हो रहा है, सम और नो का केस भी बन रहा है, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट भी सेम है, एडवोकेट और कोर्ट, एडवोकेट कोर्ट सेम आ रहा है, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव सेंटेंस भी दे रखा है, तो ये केस किसका बनेगा, फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला केस बनेगा आइदर और का। अब मजा आएगा दूसरे वाले केस में, चलिए चेक करिए, यहां लिखा हुआ आ रहा है सम एडवोकेट आर कोर्ट, कलर चेंज कर दिया मैंने, इसको चेक कर रहा हूं, सम एडवोकेट आर कोर्ट, चेक करो भाई, सम एडवोकेट आर कोर्ट, इसमें क्या हो रहा है गलत, सम एडवोकेट आर कोर्ट, इसमें क्या हो रहा है सही, तो एक में सही एक में गलत, तो वो चीज क्या होगी, गलत। फिर दूसरा बोल रहा है सम एडवोकेट आर नॉट कोर्ट, सम एडवोकेट आर नॉट कोर्ट, कुछ एडवोकेट कोर्ट नहीं है, तो सही तो बोल रहा है, क्या ये वाले एडवोकेट कभी कोर्ट हो सकते हैं क्या, ये वाले एडवोकेट जो बॉल का कॉमन पोर्शन है क्या वो कोर्ट हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, ये वाले कोर्ट कभी भी
एडवोकेट नहीं हो सकती। उसने बोला सम एडवोकेट आर नॉट कोर्ट, ये वाले एडवोकेट कभी भी कोर्ट नहीं हो सकते क्योंकि ये बॉल का पोर्शन है। बॉल कोर्ट नहीं है तो एडवोकेट और बॉल का जो कॉमन पोर्शन है ये भी कोर्ट नहीं होगा। बॉल कोर्ट नहीं है तो बॉल और एडवोकेट का ये जो कॉमन पोर्शन है ये वाला कभी भी एडवोकेट नहीं होगा। तो दोनों ही केस में वो सही तो बोल रहा है, इसका मतलब ये वाले एडवोकेट कोर्ट नहीं है। उसने बोला सम एडवोकेट आर नॉट कोर्ट, तो भैया ये वाले एडवोकेट कोर्ट नहीं है, ये वाले एडवोकेट कोर्ट नहीं है। सही बात, तो इसमें भी सही, इसमें भी सही, तो फिर ये सही हो जाएगा ना। तो अब ये आइदर ओर का केस नहीं बनेगा, ये कौन सा केस बनेगा, ये केस बनेगा सेकंड फॉलो, क्योंकि आइदर ओर के केस के लिए तो सबसे पहली कंडीशन ही यही है कि आइदर ओर का केस तो वहां अप्लाई होगा जहां पर इंडिविजुअली चेक करने पर दोनों गलत होने चाहिए, पर दोनों गलत कहां हो रहे, ऊपर वाला गलत हो रहा है नीचे वाला सही हो रहा है, इसलिए मेरे भाई ये केस सेकंड फॉलो होगा, आइदर ओर फॉलो नहीं होगा। आशा करता हूं कि अब तो आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थम्सअप कर दीजिए एक बार अपने आप के लिए कि यस सर बिल्कुल सही है, मजा आ गया, क्लियर है कि नहीं। अरे ठीक है, एडवोकेट की जगह मतलब एवोकाडो यार, मतलब ठीक है मुझे लगा एडवोकेट लिखा होगा, एवोकाडो लिखा हुआ है, ए ए लिखा हुआ है ना, ए से समझ जाओ यार, क्यों परेशान हो रहे हो इतना, क्लियर है। ओके चलिएगा नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। सम ए आर बी, अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ाइएगा ठीक है, सम ए आर बी, क्योंकि हमें एकदम गोली की स्पीड से सीखनी है क्वेश्चन को। जल्दी से बताओ, सम ए आर बी कर दिया, फिर कर दिया तुमने नो बी आर सी, फिर तुमने बनाया सम सी आर डी, ठीक है। अब तुम्हारे पास कंडीशन क्या है कि तुम्हें इतना दिमाग में आ जाना चाहिए कि हाँ रुकावट बी और सी पर है, बाकी किसी पर रुकावट नहीं है। तो ए वाला पोर्शन सी डी को काट सकता है, पूरा भी कवर कर सकता है, डी वाला पोर्शन बी को भी काट सकता है, डी वाला पोर्शन ए को भी काट सकता है, डी वाला पोर्शन पूरा भी कवर कर सकता है। क्यों? क्योंकि रुकावट सिर्फ बी और सी पर है, डी पर या ए पर कोई रुकावट नहीं है। तो चलिए चेक कर लेते हैं, वो बोल रहा है नो ए आर डी, कोई भी ए डी नहीं है, क्या बोल रहा है, नो ए आर डी, कोई भी ए डी नहीं है, बिल्कुल गलत बोल रहा है। ए वाला पोर्शन अगर डी को कट कर जाएगा तो ए डी हो जाएगा ना, पर वो तो बोल रहा है नहीं नो ए आर डी, ये बिल्कुल गलत बोल रहा है क्योंकि इस पर कोई रुकावट नहीं है तो ये कट कर सकता है, दिमाग में रखनी है चीजें। फिर आगे लिखा हुआ है सम ए आर डी, एक तरफ तो बोल रहा है नो ए आर डी और एक तरफ बोल रहा है सम ए आर डी, कुछ ए डी है। जब भी क्वेश्चन के अंदर ये एटलीस्ट वर्ड आए इसको तो हटा देना, इसका तो कोई रोल होता ही नहीं है। मैंने आपको सिखाया था कि एटलीस्ट और डेफिनेटली, डेफिनेटली यानी कि निश्चित रूप से, इन दोनों वर्ड्स को आप हटा दोगे। एक तो निश्चित रूप से ये वाला वर्ड आप हटा दोगे और एक एटलीस्ट वर्ड को आप हटा दो। तो एक ही क्वेश्चन में बोल रहा है कि नो ए आर डी, कोई भी ए डी नहीं है, और एक ही क्वेश्चन में बोल रहा है कुछ ए डी है, तो ये वाला केस किसका बनेगा, ये वाला केस किसका बनेगा, आइदर ओर का बनेगा, ये वाला केस आइदर ओर का बनेगा। लेकिन अब नीचे वाला देखते हैं, ऑल ए कैन नेवर बी सी, हो सकता वर्ड, चलिए इस इन कंसेप्ट को मैं अभी समझाऊंगा क्योंकि ये पॉसिबिलिटी से रिलेटेड है। पहले पॉसिबिलिटी पढ़ लेते हैं फिर इस नीचे वाले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए पहले पॉसिबिलिटी पढ़ लेते हैं फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे। देखिए पॉसिबिलिटी का केस क्या होता है, देखना इधर, पॉसिबिलिटी में अब क्या होता है, पॉसिबिलिटी का सीधा सा मतलब ये होता है, आज मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं इन सारी चीजों का, मतलब जिसके लिए हम 100% श्योर नहीं है और उसके होने की संभावना दे रखी। तो पॉसिबिलिटी में अगर ऐसा लिखा हुआ है कि होने की पॉसिबिलिटी है, संभावना है, या कहीं पर ऐसा भी लिखा होगा कैन बी मे बी, कैन बी मे बी, ये वर्ड भी किसको रिप्रेजेंट करते हैं, हो सकता है, हो सकता वर्ड भी संभावना को रिप्रेजेंट करता है, हो सकता है वर्ड भी संभावना को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब एक चीज समझ लेना, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, पहली बात तो सुन लेना इधर, 99.99% लोग गलती करते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप में से कोई भी स्टूडेंट यहां पर जो मौजूद है इस क्लास को ले रहा है वो जिंदगी में कभी गलती ना करे। पॉसिबिलिटी के केस में कभी भी आइदर और अप्लाई नहीं होता, पहला रूल तो लिख लेना ये भैया कॉपी में नोट्स बना के लिख लेना कि संभावना के केस में कभी भी आइदर और नहीं लगता, संभावना के
संभावना के केस में, ये लीजिए, संभावना के केस में कभी भी आइदर और नहीं लगता। पहली बात तो ये आप दिमाग में डाल लेना, ये नोट कर लेना भैया, लोगों को पता ही नहीं है, जबरदस्ती आइदर और ठोक देते हैं इसमें भी। पहली बात तो ये लिख लेना कि संभावना के केस में, पॉसिबिलिटी के केस में कभी भी आइदर और लगेगा ही नहीं, यानी सी वाला ऑप्शन तो कभी बनेगा ही नहीं, जहां कहीं भी पॉसिबिलिटी वर्ड आ गया, जहां कहीं भी हो सकता है वर्ड आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहली बात तो ये, संभावना के केस में कभी भी आइदर और नहीं लगता। अब पॉसिबिलिटी के केस क्या कहता है? पॉसिबिलिटी का केस ये कहता है कि अगर एक डायग्राम भी, अगर एक डायग्राम भी आपकी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, एक डायग्राम भी अगर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी 50 में से मान लो, अभी तक तो हम क्या करते थे कि 50 में से अगर 49 सही हैं और एक गलत है तो उसको गलत मान लेते थे, लेकिन अब उल्टा होगा पॉसिबिलिटी के केस में। अगर 50 में से 49 डायग्राम ऐसे हैं जो गलत हैं और सिर्फ एक डायग्राम ऐसा बन रहा है जो सही है, उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक डायग्राम भी पॉसिबिलिटी को फॉलो करवाएगा। एक डायग्राम भी पॉसिबिलिटी को फॉलो करेगा, ठीक है? क्वेश्चन से और अच्छे से समझ में आएगा, पर उससे पहले कुछ रूल्स यहां पर देख लेते हैं हम लोग। देखिएगा इधर, यहां पर एक लाइन लिखी है कि न्याय वाक्य में, सिलोजम में, अगर निष्कर्ष 100% सत्य नहीं है, अगर हम 100% श्योर नहीं है, तो वहां पर संभावना की स्थिति हो सकती है। लेकिन परंतु अगर निष्कर्ष 100% सत्य है, यहां तो क्या था, निष्कर्ष 100% सत्य नहीं है, तो वहां पर पॉसिबिलिटी अप्लाई होगी। लेकिन अगर निष्कर्ष 100% सत्य है तो वहां पर पॉसिबिलिटी कभी भी लागू नहीं होगी, संभावना की स्थिति कभी भी लागू नहीं होगी, रूल याद रख लेना, ठीक है? और अगर सीधा संबंध दिया हुआ है तो वहां पर भी संभावना कभी भी लागू नहीं होगी, ठीक है? जैसे देखना, एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है भाई ये कंसेप्ट, ये स्लाइड आपको जिंदगी भर याद रखनी है, क्योंकि इससे बेहतर निचोड़ आप पूरी जिंदगी भर आप इस सिलोजम टॉपिक को पढ़ते रहो, ये अथा सागर। लेकिन ये एक स्लाइड पॉसिबिलिटी की आपकी सारी समस्याओं को दूर कर देगी। यहां पर देख लेना, पीडीएफ मिल जाएगी भाई, क्योंकि कंसेप्ट तो पूरा होने दो, बिना कंसेप्ट पूरा हुए ही तुम्हें दे दूं क्या वो चीज, बताओ? इसलिए नहीं प्रोवाइड कराई कल, क्योंकि कंसेप्ट पूरा ही नहीं हुआ। पहले पूरा तो हो जाए, फिर आराम से आप नोट करोगे, उसको सोल्व करोगे तो मजा आएगा ना आपको, ठीक है? क्योंकि रिवीजन भी तो करना है अपने को, ऐसा थोड़ी कि सिर्फ पढ़ना ही है, ये एक बार पढ़ाने के बाद रिवीजन भी तो कराना है मुझे, कम से कम इसके 200 क्वेश्चन कराने हैं तुम्हें। समझ में आ रही है चीजें? चलो ध्यान से देखना, इधर यहां पे ढंग से देखना, इधर चीजों को मैं यहां पे लिख रहा हूं, इधर समझना। मान लो मैंने क्वेश्चन के अंदर दिया, क्वेश्चन के अंदर मैंने दिया, क्वेश्चन के अंदर मैंने स्टेटमेंट दे दिया आपको, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं, ऑल ए आर बी, क्या दे दिया मैंने आपको, ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं, और कंक्लूजन दे दिया मैंने आपको, कंक्लूजन मैंने आपको दे दिया, देखिएगा इधर, यहां मैंने दे दिया ऑल ए आर बी, और कंक्लूजन में मैंने दे दिया आपको सब ए आर बी इज बीइंग पॉसिबल, सम ए आर बी इज बीइंग पॉसिबल कुछ ए के बी होने की संभावना है,
कुछ ए के बी होने की संभावना है, बताओ भाई। यहां लिखा हुआ है स्टेटमेंट ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं, ठीक है, और मैं चेक करवा रहा हूं कि कुछ ए के बी होने की संभावना है, तो बताइए क्या ये बात सही है या गलत है, जल्दी से फटाफट से बता दीजिए मुझे, ये बात सही है या गलत। सभी बच्चों को आंसर आना चाहिए भाई, सभी बच्चों को आना ना आंसर आना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से आप निकल रहे हो अभी यहाँ पर, पॉसिबिलिटी के उस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को आप लोग चेक कर रहे हो जो कि बहुत ही जरूरी। देखो अभी तक आप इसका डायग्राम कैसे बनाओगे, स्टेटमेंट को देखते हुए डायग्राम बनाओगे, ऑल ए आर बी, ये बनाया आपने, आपने क्या बनाया, ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं, ठीक है। अरे भाई हम 100% श्योर हैं कि सारे ए क्या हैं, बी हैं, तो जब सारे ए बी हैं हम 100% श्योर हैं उस चीज के लिए कि यस सारे ए बी हैं, तो कुछ के केस में उस पॉसिबिलिटी को क्यों चेक करेंगे, कम में क्यों चेक करेंगे, कहने का मतलब है हम 100% श्योर हैं कि जो चीज, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, यदि निष्कर्ष 100% सत्य है तो संभावना की स्थिति कभी भी लागू नहीं होगी, हम यहां पर 100% श्योर हैं भाई कि सारे ए बी हैं, तो कुछ ए बी ए यानी उससे कम की पॉसिबिलिटी हम लोग कभी भी चेक नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये चीज दिखने में तुम्हें ऐसा लगेगा कि हाँ संभावना कभी भी अपने आप में 100% नहीं होती, जहां संभावना वर्ड जुड़ गया ना यानी वहीं पर तुम्हें डाउट हो गया है, यानी 100% से कम की बात कर रहे हो आप। यहां पे लिखा हुआ है ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं, तुम्हें स्टेटमेंट में दे रखा है और तुम चेक कर रहे हो कि कुछ ए के बी होने की संभावना है, तो भैया जब ये संभावना शब्द नहीं लिखा हुआ होता था, ये संभावना शब्द नहीं लिखा हुआ होता था, तब तो तुम क्या करते थे इससे पहले वाले क्वेश्चन में, अगर सभी ए बी हैं तो जब अंदर से बाहर जाते हो, देखो रूल भी पढ़ा था तुमने, यहां पे रूल पढ़ा था, हमने रूल बनाया था याद है, ये देखो जब भी हम अंदर से बाहर की ओर जाएंगे ए से बी की ओर, तो कुछ की कंडीशन भी फॉलो होगी, ऑल की कंडीशन भी फॉलो होगी, लेकिन इसी सिचुएशन में अगर पॉसिबिलिटी वर्ड लग जाता है ना, इसी सिचुएशन में अगर ये पॉसिबिलिटी, ये संभावना शब्द जब जुड़ जाता है, तो ये चीज गलत हो जाती है। क्यों? क्योंकि जिस चीज के लिए हम 100% श्योर हैं उसकी पॉसिबिलिटी हम कभी भी चेक नहीं करते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर है कि नहीं, फटाफट से थम्सअप कर दो एक बार सभी जगह, सही है नहीं, जिस चीज के लिए आप 100% श्योर हैं उसके अंदर आप संभावना की केस कभी भी चेक नहीं करेंगे, या फिर अगर ये लाइन इस तरीके से लिखी हुई होती, देखना अभी इधर, अगर ये लाइन ऐसे लिखी हुई होती, नोट कर लेना इसको, अगर यहां सम की जगह क्या होता, सम की जगह क्या होता, ऑल होता, सम की जगह क्या होता अगर यहां पर ऑल होता, अगर तब मुझे बताओ कि क्या होता, ऑल ए आर बी इज बींग पॉसिबल, अगर यहां पे सभी वर्ड दिया हुआ होता, सभी ए के बी होने की संभावना अगर ऐसा दिया हुआ होता, तब आप क्या करते, अब बताइए, यहां पर सम की जगह मैंने ऑल दे दिया आप कंक्लूजन, तब आपका कंक्लूजन क्या होगा, इसको मिटा देता हूं यहां से ताकि आप सोच पाओ। अब देखो क्या बोल रहा है, अब नीचे वाला रूल पढ़ो, नीचे वाला रूल पढ़ो, अगर कोई डायरेक्ट रिलेशन दे रखा है, अगर कहीं पर भी सीधा संबंध दिया हुआ है, सीधा संबंध यानी कि तुम्हें दे रखा है सभी ए बी हैं, दे रखा है, तो सभी ए बी हैं के साथ ही अगर पॉसिबिलिटी अगर तुम चेक कर रहे हो, तो वो चीज क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, क्योंकि मैंने क्या कहा कि संभावना अपने आप में 100% से कम की होती है, संभावना नेगेटिव चीजों की भी हो सकती है, संभावना पॉजिटिव की भी हो सकती है। अब इसने खुद ने 100% दे रखा है कि सभी ए बी हैं, जब सारे ए बी हैं तो भाई फिर उसकी पॉसिबिलिटी क्यों चेक करेंगे, वहां तो हम 100% श्योर है ना कि वो चीज है, सारे ए बी हैं, तो संभावना के केस में अगर सीधा सीधा संबंध दे रखा है, सीधा रिलेशन अगर संभावना में लिख कर दे दिया, तो वो कभी भी लागू नहीं होती है। तीनों रूल याद रख लेना भैया, ठीक है, तब भी ये चीज क्या होगा, रॉन्ग होगा।
डायरेक्ट रिलेशन दे रखा है तो भी रॉन्ग होगा, ऑल का कंडीशन देखकर अगर सम का पूछ रहा है तो भी वो चीज क्या होगा, रॉन्ग होगा। लेकिन लेकिन अब यहां पर आएगा असली मजा कि कंडीशन अगर आपको सम का दे रखा होता, कंडीशन आपको क्या दे रखा होता, सम का दे रखा होता, कंडीशन अगर ऊपर सम का दे रखा होता ऐसे सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं और मैं चेक कर रहा होता कि सभी ए के बी होने की संभावना है, तब डायग्राम, तब आपका केस क्या होता मुझे ये बताइए। अगर ये होता, बताओ भाई, अगर केस ये दे रखा होता सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं, डायग्राम ये दे रखा होता कुछ ए बी हैं, ठीक है, और वो चेक कर रहा था कि सभी ए के बी होने की संभावना है, इसको बताओ, इसको बताओ, सम ए आर बी, कुछ ए बी है और चेक करवाता सभी ए के बी होने की संभावना है, तो आप लोग जानते हो, क्या जानते हो कि भैया पॉजिटिव स्टेटमेंट से रिलेटेड डायग्राम कैसे भी एक दूसरे में मिक्स हो सकता है। अब वो बोल रहा है कि सभी ए के क्या बी होने की संभावना है क्या, बिल्कुल सारे ए जो हैं बी हो सकते हैं, डायग्राम ये बन सकता है ना, तो एक डायग्राम भी अगर उसके अकॉर्डिंग बनेगा तो वो सही होगा। क्यों? क्योंकि ये सीधा संबंध भी नहीं दे रखा, केस सम का है, पूछ ऑल में रहा है, ठीक है, कुछ की कंडीशन दे रखी है, ठीक है, जिसके लिए हम 100% सत्य नहीं है। देखिए इधर, अगर न्याय वाक्य में अगर निष्कर्ष 100% सत्य नहीं है तो संभावना की स्थिति हो सकती है। जैसे देखना, सम ए आर बी, ठीक है, दे रखा है तुम्हें, अब ये 100% सत्य थोड़ी है, ऑल ए आर बी इज बीइंग पॉसिबल, ये तो आपको चेक करनी है। जिस चीज के लिए आप 100% सत्य नहीं होते हैं वहां संभावना की स्थिति हो सकती है, बिल्कुल आपको कुछ की कंडीशन दी थी पर आप ऑल के लिए चेक कर रहे हो, यानी आप 100% जहां पर भी श्योर नहीं होते, जहां पर भी कम की स्थिति होती है, 100% श्योरिटी की स्थिति नहीं होती है, तो वहां संभावना की स्थिति हो सकती है, ठीक है, जहां पर हम 100% श्योर नहीं है वहां पर संभावना की स्थिति हो सकती है। अब क्वेश्चन करने में बड़ा मजा आएगा, देखना इधर, अब आएगा असली खेल का मजा। ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास और तुमने इसका डायग्राम बना दिया है, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, फिर दे रखा है सम बी आर सी, पॉजिटिव स्टेटमेंट से रिलेटेड डायग्राम, सकारात्मक वाक्य से रिलेटेड डायग्राम है, कैसे भी एक दूसरे में मिक्स हो सकता है। अब पहला चेक करवा रहा है, इट इज पॉसिबल डेट ऑल बी आर ए, क्या ऐसा हो सकता है क्या कि सारे बी ए हो जाएं? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर ये डायग्राम बना लेता हूं, ए और बी की बाउंड्री सेम कर दो और सी को बना दिया ऐसे, ठीक है, तो बिल्कुल ये वाली कंडीशन हो सकती है। उसने दिया है सारे ए बी होने चाहिए, पर पूछ रहा है क्या सारे बी ए हो सकते हैं क्या, तो बिल्कुल सारे बी ए हो सकते हैं। ये एक डायग्राम बना लिया ना, इस एक डायग्राम में क्या स्टेटमेंट रॉन्ग हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, ऑल ए आर बी वाली कंडीशन भी सही है, सम बी आर सी वाली कंडीशन भी सही है, स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग नहीं होना चाहिए, तो ये वाला केस क्या है, सही है, सही है। अब सेकंड वाला चेक करना, क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है इट इज पॉसिबल डेट सम सी आर नॉट ए, इट इज पॉसिबल डेट सम सी आर नॉट ए। अब आएगा असली खेल का मजा, जैसे देखना इधर, आप पीछे वाले केस में जब संभावना शब्द नहीं दिया हुआ था, जब संभावना शब्द नहीं दिया हुआ था तो आपने एक चीज नोट करी थी कि हम चाहे अंदर जाएं या हम चाहे बाहर की ओर आएं, ऐसे केस में तो सम का नेगेटिव केस के अंदर, नेगेटिव नकारात्मक केस के अंदर सम का केस भी गलत होता है और ऑल का केस भी गलत होता है। लेकिन संभावना की स्थिति में हम लोग पढ़ रहे हैं कि अगर एक डायग्राम भी बना, अगर एक डायग्राम भी उस कंडीशन के अकॉर्डिंग बना, 100 में से 99 गलत हैं, पर अगर एक डायग्राम भी बना तो वो चीज़ सही होती है। तो इसी तरीके का क्वेश्चन कुछ ये है, वो पूछ रहा है क्या ऐसी संभावना है कि कुछ सी ए ना हो, तो बन तो रहा है ये डायग्राम, ये रहा ना, ये वाला डायग्राम बन तो रहा है, ध्यान से देखो, वो बोल रहा है कुछ सी ए ना हो, क्या ऐसी संभावना है क्या, तो बिल्कुल बन तो रहा है ये रहा डायग्राम, ये डायग्राम बन रहा है। क्या ये वाले सी तुम्हें दिखाई दे रहे हैं क्या, ए में दिखाई दे रहे हैं क्या, नहीं, उसने बोला कुछ सी ए ना हो, क्या ऐसी संभावना है क्या,
तो बिल्कुल सही है, ये एक डायग्राम बन गया ना। और एक डायग्राम भी बनेगा जब हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग ना हो, सभी ए बी हैं, कुछ बी सी हैं, और उसने बोला है कि क्या ऐसी संभावना हो सकती है कि कुछ सी ए ना हो, तो बिल्कुल ये वाली चीज भी सही हो रही है इसके अंदर, तो ये वाला डायग्राम भी फॉलो, सेकंड फॉलो। अब थर्ड वाला चेक करते हैं। इट इज पॉसिबल डेट ऑल ए आर बी। अरे भैया ऑल ए आर बी तो उसने खुद ने दे रखा है हमें, तो कोई चीज अगर हमें दे रखी है सीधी की सीधी, अगर डायरेक्ट रिलेशन में अगर पॉसिबिलिटी चेक करवाएगा तो उसको आप डायरेक्ट गलत कर दोगे। अभी अभी आपने यहां पे सीखा था कि जिस चीज में अगर सीधा संबंध दिया हुआ है तो उसकी पॉसिबिलिटी कभी भी लागू नहीं होती है, ठीक है। सीधे संबंध में आप पॉसिबिलिटी कभी भी चेक नहीं करोगे, इसको आप रॉन्ग कर दोगे। फिर अगला चेक करो, क्या ऐसी संभावना है क्या कि कुछ सी ए हो जाए। तो बिल्कुल ये रहा डायग्राम, देखो इधर सारे ए बी हो गए और कुछ सी जो हैं ए और बी दोनों ही हैं, और वो यही चेक करवा रहा है क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ सी ए हो जाए। तो बिल्कुल ये वाली डायग्राम सही है, तो आंसर बनेगा फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ फॉलो। मजा आ गया कि नहीं आ गया दोस्तों? सही है नहीं है? मजा आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है कि नहीं है? बहुत ही शानदार, एक गजब का क्लियरिफिकेशन, एकदम हर एक चीज को बेसिक से समझते हुए 200 धमाकेदार क्वेश्चन करेंगे तो आनंद ही कुछ और होगा। चलिए जल्दी से करते हैं अब इस क्वेश्चन को। सम पुअर आर रिच, सम पुअर आर रिच, फिर लिखा हुआ है ऑल रिच आर डॉक्टर्स, ऑल रिच आर डॉक्टर, फिर सम इंटेलिजेंट आर डॉक्टर, सम इंटेलिजेंट आर डॉक्टर, ये मैंने बना दिया, ठीक है। ये एक मैंने जनरल डायग्राम बना दिया, पर मेरे दिमाग में हमेशा एक चीज रहती है कि जब कभी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट से रिलेटेड हम लोग डायग्राम बनाते हैं तो वो सारे एक दूसरे में मिक्स हो सकते हैं, वो एक दूसरे को क्रॉस कर सकते हैं, मिक्स हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले तो इस वर्ड को हटा दिया आपने, इस एटलीस्ट वर्ड को हटा दोगे आप, इसका होना ना होना बराबर है। अब चेक करते हैं, सम पुअर आर इंटेलिजेंट, क्या यहां पर कहीं पर भी संभावना शब्द जुड़ रहा है क्या? नहीं। अगर संभावना शब्द नहीं जुड़ा हुआ है तो जितने भी डायग्राम होंगे उन सब में फॉलो होना चाहिए। तो वो बोल रहा है सम पुअर आर इंटेलिजेंट, क्या पुअर इंटेलिजेंट है क्या? नहीं। पुअर इंटेलिजेंट कहां है? पुअर इंटेलिजेंट नहीं है तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी? रॉन्ग। उसने कहा कुछ पुअर इंटेलिजेंट हैं, तो कुछ पुअर इंटेलिजेंट है इसमें तो नहीं है, तो इसको मैंने गलत कर दिया। पर अब नीचे वाला बोल रहा है क्या सारे इंटेलिजेंट रिच होने की संभावना है क्या? ये संभावना शब्द जुड़ गया, क्या सारे इंटेलिजेंट रिच होने की संभावना है क्या? तो बिल्कुल है ना। ये इंटेलिजेंट वाला पोर्शन पूरा देखना इधर, ये इंटेलिजेंट वाला जो पोर्शन है ये डॉक्टर, ये इंटेलिजेंट वाला पोर्शन पूरा रिच के अंदर जा सकता था ना, क्या दिक्कत है? देखो इधर, ये इंटेलिजेंट वाला पोर्शन पूरा, अगर ये रिच वाला पोर्शन पूरा इंटेलिजेंट को कवर कर देता, ठीक है, तो सारे इंटेलिजेंट क्या हो जाते? रिच हो जाते, तो इसकी संभावना है क्या? तो बिल्कुल है। संभावना के केस में एक भी डायग्राम बनेगा तो सही होगा। आंसर क्या बनेगा? सेकंड फॉलो। आंसर क्या बनेगा यहां पे? सेकंड फॉलो। चलिएगा नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। सम लैंग्वेजेस आर डिफिकल्ट, ऑल स्पीचेस आर इजी, सम सीन आर इजी, सम लैंग्वेज आर इजी, सम लैंग्वेज आर इजी, फिर लिखा हुआ है ऑल स्पीच आर इजी, ठीक है। थोड़ा अच्छे से डायग्राम बनाते हैं क्योंकि नीचे से स्टार्ट करते हुए बनेगा डायग्राम। देखिएगा सबसे पहले सम लैंग्वेज आर डिफिकल्ट, सम लैंग्वेज आर डिफिकल्ट, फिर लिखा हुआ है सम लैंग्वेज आर इजी, सम लैंग्वेज आर इजी, सम सीन आर इजी, सम सीन आर इजी, ऑल स्पीचेस, ये सीन है, ऑल स्पीचेस आर इजी, ऑल स्पीचेस आर इजी, ये एक डायग्राम बना। अब वो बोल रहा है सम स्पीचेस मे बी डिफिकल्ट, मे बी, ये मे बी वर्ड मैंने समझाया था अभी आपको, ये मे बी वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है? संभावना को।
ये मे बी वर्ड किसको रिप्रेजेंट करेगा? पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना, संभावना को दर्शाएगा। चलिए चेक करते हैं, सभी भाषण कठिन हो सकते हैं, ऑल स्पीचेस मे बी डिफिकल्ट। तो बिल्कुल पॉजिटिव सेंटेंस से रिलेटेड डायग्राम में ये एक दूसरे को कवर कर सकते हैं, तो बिल्कुल इसकी संभावना भी हो सकती है, पहला वाला सही होगा। नेक्स्ट, सम लैंग्वेजेस आर नॉट इजी इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ भाषाओं के आसान नहीं होने की संभावना हो, सम लैंग्वेजेस आर नॉट इजी, तो बिल्कुल लैंग्वेजेस और ये इजी, ये रहा ना, सम लैंग्वेजेस आर नॉट इजी दे तो रखा है, देखिए आप, सम लैंग्वेजेस आर नॉट इजी, ये एक डायग्राम बना के दे तो रखा है, सम लैंग्वेजेस आर नॉट इजी ये दे रखा है ना, तो ये वाली डायग्राम क्या है, सही है, सम लैंग्वेजेस आर नॉट इजी इज अ पॉसिबिलिटी। तो क्या होगा आंसर? आंसर बनेगा इसका बोथ फॉलो, इसका आंसर बनेगा बोथ फॉलो, सही है कि नहीं है? तो दोस्तों मजा आया कि नहीं आया, फटाफट से एक बार थम्स अप कर दीजिए, सभी बच्चे दिल से लाइक कर देंगे सेशन को, और इसकी पीडीएफ मैं तुरंत ही 10 मिनट के अंदर आप लोगों के लिए डलवा रहा हूं, क्योंकि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों ने डिस्कस करी है। आप एक बार प्रैक्टिस कर लें और कृपा करके एक बार वीडियो दोबारा देख लें, जैसे ही आप लोग दोबारा वीडियो देख लेंगे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, मजा आ जाएगा आपको एकदम बढ़िया तरीके से। इन क्वेश्चंस को आप लोग होमवर्क के अंदर करिएगा, मैं आपको होमवर्क के लिए काफी सारे क्वेश्चन दे रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, काफी सारे क्वेश्चन देखिए मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, इनको आप करेंगे। और इस संडे को, इस सैटरडे को हम लोग 100 क्वेश्चन करेंगे मॉर्निंग 10 AM की क्लास के अंदर, ठीक है। तो आप लोग दीपू 10 कोड लगाकर अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप लोग बैचेस को ज्वाइन कर लेंगे, साथ ही साथ मेरी प्रोफाइल को फॉलो करके भी आप लोग बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है गाइस। आज धमाकेदार रात को क्लासें होने वाली हैं 9 बजे और 10 बजे, भाई ये चीज आप लोग ध्यान में रख लें कि आज 5 नवंबर है और आज ही बैच को एनरोल कर लेना, लॉजिकल रीजनिंग का बैच है, एसएससी कैटेगरी में चालू हो रहा है, आज से ही दोपहर 2 बजे क्लास है, और 5000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना एसएससी कैटेगरी। रेलवे कैटेगरी में 7000 क्वेश्चन का बैच चालू हो रहा है, और बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड जो आगे ग्रुप डी वगैरह के लिए सोच रहे हैं ना, प्रिपरेशन करनी है, तो एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों की प्रिपरेशन आपकी यहां से हो जाएगी, ठीक है। आज ही ज्वाइन कर लें दीपू 10 कोड लगाकर, ये सारे बेनिफिट आपको मिल जाएंगे, कंप्लीट बैच, टेस्ट सीरीज, 7000 क्वेश्चन, पीडीएफ, क्विज, सारे सब्जेक्ट के कोर्सेज, डाउट सेशन वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएंगे, ठीक है गाइस। समझ में आ गई सारी चीजें अच्छे से? कैसे ज्वाइन करना है ये आप देख लें, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, इंस्टॉल कर लें, लॉगिन कर लें अपने आप को, और अपना गोल सेलेक्ट कर लें, अगर एसएससी है तो एसएससी, रेलवे है तो रेलवे। गोल सेलेक्ट करने के बाद में आप लोग ऊपर अपना गोल आ जाएगा आपका, आप नीचे जाएंगे गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे, और 3 मॉड्यूल आपको दे रखे होंगे, उसमें वहीं पर आप अप्लाई कर देंगे दीपू 10। जैसे ही दीपू 10 कोड अप्लाई करेंगे आपको 10% का डिस्काउंट करके दिखा देगा हर एक सब्सक्रिप्शन में, चाहे वो 12 महीने का हो, 24 महीने का, जो भी आप लेना चाहें आप इसे कंटिन्यू कर लें, ठीक है। उसके बाद में आप लोग पेमेंट के लिए जाएंगे, पेमेंट आप किसी भी मोड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, जिससे करना चाहें आप उससे पेमेंट कर सकते हैं अपने सुटेबल, ठीक है, ऐप को यूज करके, ओके गाइस। तो ये सारे बेनिफिट्स आप सभी लोग जानते ही हैं, तो आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, सारी चीज़ें बढ़िया मस्त लगी होंगी, सेशन को दिल से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे शाम को 6:30 बजे यूट्यूब की मेन क्लास के अंदर एक मॉक टेस्ट के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे, बाय। पीडीएफ आपको कमेंट बॉक्स के नीचे अभी मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है।